पता है, I was a kind of person जिसे हर चीज प्लान्ड वे में चाहिए, लेकिन I have learned कि लाइफ में हर चीज आपके मुताबिक नहीं चलती, तो कभी कभी we should just sit back and see what life wants to show us, क्योंकि अनसर्टिनिटी में भी ना एक थ्रिल है। कल रात तक मुझे लगा था कि मैं अपनी फ्रेंड की शादी पे नहीं जा पाऊंगी, क्योंकि ट्रेन की टिकट्स कंफर्म ही नहीं हुई थी, एंड अभी आई एम ऑलरेडी ऑन माई वे। रोक रही है। सो फाइनली आई एम हियर विद मधु इन मुंबई, और हम कहाँ पर अच्छी जा। मुझे तब से लग रहा था आप लोग बात कर रहे हो अच्छी जगह। मैंने कहा यार पता नहीं कौन सी अच्छी जगह की बात कर रहे हो, इट्स अच्छी जा। सो आई एम कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। हम लोग पाव भाजी खाने वाले हैं रात के 1 बजे। अभी खाना नहीं आया तो माधुरी चटनी खाने लग पड़ी है। पापड़ और चटनी है, सिर्फ चटनी नहीं है। अब हम ट्राई करने वाले हैं मुंबई की फेमस पाव भाजी। After having a wholesome dinner, the tasty pav bhaji, we are going to Madhu's flat. We had our dinner and now I'm very tired, so I'm just ready to hit the bed. I'll see you tomorrow. Good morning from Mumbai. It's 9:30 AM. हम लोग सुबह 7 बजे के उठ गए थे, but हम लोग बेड पे बैठे बैठे गप्पे मार रहे थे तब से। So रात में हम लोग अराउंड 3 AM सोए थे, तो नींद अभी ठीक से पूरी नहीं। और हम लोग जा रहे हैं मधु की शादी की शॉपिंग करने के लिए। परसों शादी है एंड यस, अभी तक इसने शॉपिंग नहीं की है। शी वॉज वेटिंग फॉर मी। तो बेस्ट फ्रेंड का फर्स्ट कॉल दिखाएगा। आई एम थिंकिंग अबाउट दिस वन। यस, लंच टाइम और हम खाने वाले हैं प्रॉपर मारवाड़ी खाना, जिसके लिए हमने आधा घंटा बैठ के लाइन में वेट किया है। शाम के 5 बज गए हैं, हम लोग अभी भी मॉल में शॉपिंग कर रहे हैं। इन जनाब की शॉपिंग खत्म होने पर ही नहीं आ रही, इनको कोई एक चीज पसंद ही नहीं आती अब तक। हमने बस चार बैग्स शॉपिंग की है, दैट्स इट। इन मैडम से पिछले आधे घंटे से शूज डिसाइड नहीं, चप्पल डिसाइड नहीं हो रही है। अब जाके इन मैडम की शॉपिंग खत्म हो गई।
रही है. अभी 6:30 हो रहे हैं एंड वी केम हेयर एट 12 o'clock. हम 6 घंटे इस मॉल में घूमे. शाम के 6:30 बज रहे हैं और अब फाइनली जाके मैडम की मॉल से जो शॉपिंग करनी थी वो खत्म हुई है. हम लोग ये बैग्स रखने अभी फ्लैट पे जा रहे हैं. उसके बाद हम लोगों को फिर से मार्केट जाना है और शॉपिंग करना है. बैक एट द फ्लैट वी जस्ट ड्रॉप्ड आवर शॉपिंग बैग्स हेयर और अभी वी आर गोइंग अगेन टू द लोकल मार्केट हेयर ताकि हम बाकी का सामान खरीद सकें. बैक होम 8:30 हो रहा है अभी. मार्केट से होके हम अभी आए हैं वापस और अब आई थिंक आई एम जस्ट गोइंग टू स्लीप मे बी बिकॉज आई एम रियली वेरी टायर्ड राइट नाउ. जेरिश फिटनेस का चैनल है, जेरिश फिटनेस के नाम से. उसको लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, ठीक है? आप भी और तुम लोग भी. हैप्पी बर्थडे डियर राजा जी, हैप्पी बर्थडे. ये लिपस्टिक आपने लिपस्टिक नहीं लगाई. यूट्यूब पे आएंगे. It's already midnight and it was Madhuri's flatmate's birthday, so we just had a little celebration and up I think we really should go to sleep because we all are sleep deprived. Good morning. अभी सुबह के 10:30 हो रहे हैं और मैं नारियल पानी पी रही हूँ और व्यू इंजॉय कर रही हूँ. अभी हम लोगों को थोड़ी देर में फिर से निकलना है, कुछ थोड़ा सा सामान जो रह गया वो लेने के लिए. एंड मधु को पार्लर जाना है तो वी हैव टू लीव फॉर दैट. शाम में अभी मेहंदी वाली आने वाली है तो मधु की मेहंदी होने वाली है एंड बाकी लेट्स सी. मौसम बहुत अच्छा है और एकदम ऐसे ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं. हम लोग फिर से जा रहे हैं मधु की शॉपिंग के लिए. सो इट्स मधु की शॉपिंग डे 2. 1.5 घंटा हो गया मॉल में घूमते हुए. हमने थोड़ी सी शॉपिंग कर ली है, अभी बाकी थोड़ी है. अभी वी हैव स्टॉप्ड टू गेट समथिंग टू ईट क्योंकि हम लोगों ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है. तो वी आर हेयर एट मैकडोनल्ड्स ताकि हम कुछ खा के उसके बाद हम आगे बाकी शॉपिंग कर सकें. I just realized I was walking like Popat Lal from Tarak Mehta Ka Ulta Chashma. Evening or we are back home. We had a manicure and pedicure done or ye rahi hamari bride to be honey because manicure pedicure. ये रही हमारी ब्राइड टू बी और ये इनकी मेहंदी लगाई जा रही है. अभी मधु ब्राइड्समेड ऑन हर ड्यूटी.
मधु। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, प्रिटी। आई एम रेडी एंड अभी बारात आ रही है तो हम जा रहे हैं उनका स्वागत करने के लिए। आप लोग यूट्यूबर है ना?